और यहाँ पे एक और रिंग पसंद कर ली गई है। अमर शर्मा प्लीज शो मी द रिंग्स। दोस्तों आप मैं आज पटुए की हवेली पे और ये जैसलमेर का वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्शन है। और सेकंड थिंग ये है कि ये एक ही हवेली नहीं है, ये पांच क्लस्टर्स ऑफ हवेली है, ठीक है। ये बनाया था 1805 में गुमन पटवा ने और वो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ने अपने पांचों बेटे के लिए एक एक हवेली बनाई थी। तो ये देख सकते हैं आप सर कितना अच्छा क्राफ्टिंग वो है। सामने आप तो स्पेशली वो दीवार देखें, वो विंडोज़ देखें, उसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्ट वर्क है। पटवा न नाम था न जाति, पटवा उनको राजा के द्वारा उपाधि दिया हुआ है। ये लोग ओल्ड टाइम में राजा परिवार की ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में कहावत है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो इंडिया के हर कोने में आपको मारवाड़ी मिलेगी। अब आप हम जिक्र लेंगे यार। दो शेर, एक शेर में कितना होता है? 960 ग्राम। पीछे 60 साल पुराना पंखा है जो लकड़े का ब्लेड है। बैजिंग ग्लास का फर्नीचर पुराना है, वो जेरोक्स मशीन भी कार्बन कॉपी। सारे चाबी मैन गेट के लिए, इस लॉक का नाम है जॉइंट अकाउंट लॉक, हस्बैंड वाइफ लॉक। एक चाबी हस्बैंड के पास, एक वाइफ के पास, दोनों में से एक का झगड़ा हो गया तो लॉक नहीं खुलेगा। ये पटवा फैमिली का ओरिजिनल बेडरूम है, पूरा चांदी का बना हुआ है। बेड कवर है जिसके ऊपर चांदी की जरी का काम किया हुआ है, ऊपर में लकड़ी का सेट। और दोस्तों ये साइकिल से चलने वाला फैन है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे बैठता था उसको तो हवा आती थी, पर जो बेचारा चलाता था उसको पसीने आते थे। ये जो डाइनिंग स्पेस है, इस साइड लेडीज बैठती थी आपके, और इस साइड जो साहब चेयर्स बैठते थे। और जो ये थाली है ये ऐसी थी कि इस पर अगर जैसे किसी ने पॉइजन मिलाया हुआ है तो ये थाली ग्रीन हो जाएगी, और अगर सिल्वर की थाली है तो वो ब्लू पड़ जाती है अगर किसी ने पॉइजन मिलाया हुआ। प्लस फिर इनको इनमें खाने से और बीमारियाँ भी नहीं होती थी लोगों को, तो इसी में लोग वो खाते थे। और बाकी ये जैन लोग थे तो ये मतलब सनसेट के बाद खाना, अभी भी बहुत से जैन ऐसे होते हैं कि जो खाना सनसेट के बाद खाना नहीं खाते, तो ये इनके कल्चर थे। और फिर अब चलिए आगे चलते हैं। और इनका एक ड्राइंग रूम, साथ में सामने आपके भाई का फ्रिज दिख रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए यहाँ पे रूफ टॉप पे, सामने आपको जैसे मेरे का फोर्ट भी दिख रहा होगा, पूरा पूरा फोर्ट, बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखो बाकी पूरा जैसलमेर सिटी आपकी पूरी आ गई है। और यहाँ पे अभी इधर भी देख सकते हैं, ये पटवा की हवेली के मतलब आउटर पार्ट दिख रहा होगा आपको। तो ये मतलब इस पांच हवेली में क्या क्या होता है, अलग अलग क्लस्टर बने हुए हवेली में, सब में क्या क्या? एक्चुअली क्या पांच हवेली अपने पांच बेटों के लिए जो बनाएगा तो अपना 19 थोड़ा 20 हो सकता है, पर है बराबर सेम, क्योंकि हर हवेली का मैप एक जैसा है। तो एक हवेली अपने जो विजिट किया है म्यूजियम, सारी हवेली ऐसी कैसी है, बट ये वेल मेंटेनेंस है, अंदर में बढ़िया वेट क्लीन है। बाकी हवेलियाँ वो बाहर से देखने का रहता है। और जैसलमेर आप प्लीज़ कभी भी पधारो तो वेलकम टू जैसलमेर घड़ी घड़ी खम्मा। Bada Bagh,
कितने का है ये? 10 का। हाँ दो दे दो। और बस गर्म इतना रखो कि हाल खराब होने वाली है। चले चल। One more attraction in Jaisalmer is Pilgrimage Park, and they have 5,300 windmills all around the Jaisalmer district. और इसमें से जो इसका installed power capacity है 1,064 megawatts है, and 900 megawatts इसके अभी current generation है, इसमें से 1/3 Jaisalmer district को जाता है, बाकी बाहर भी दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि all around the Jaisalmer district road के दोनों side आपको clusters में ये मिलेंगे। तो अभी देखिए मैं देख सकती हूँ guys, we have reached Bada Bagh, literally means big garden, and ये 6 किलोमीटर north है जैसलमेर के, जब हम रामगढ़ को जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। और हम मेरे पीछे देख सकते हैं ये डैम बना हुआ है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में ये डैम ही बना था, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 16th century में, जो महारावल जय सिंह सेकेंड थे उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि स्केरसिटी हो गई थी वाटर की, और फिर लोगों को मतलब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ये सब पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया। अभी ये डैम सूखा हुआ है, पहले यहाँ पर लेक थी, पर फिर भी अभी इसमें वीट्स इन सबकी खेती हो रखी है, क्योंकि इसका ग्राउंड टेबल पहले से बहुत हाई रहा होगा, इस वजह से इसमें अच्छे से क्रॉप्स हो रखे। बाकी आप सब जगह देख सकते हैं कि पूरा रेगिस्तान टाइप है, बस उसी एरिया में पूरा ग्रीनरी हो रखी है। तो सबसे पहले जो महारावल जय सिंह थे उनने यहाँ पर ये लेक बनाया, और उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंगो ट्रीज़ उगाए। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई 21 सितंबर 1743 में, तो उनका जो बेटा था लूनाकरण, उसने क्या किया कि अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे स्मारक बनाया। और यहाँ पे क्या होता था कि जो राजपूत में जब राजा जो मर जाता था उसके लिए छतरी बनाते थे, जो डिसीज राजा होता था। तो अब आपको मैं इस साइड दिखाता हूँ, अगर आप कैमरा भी टर्न कर, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी छतरियाँ छतरियाँ हैं राजाओं की। तो 16th century से उस राजा के छतरी से, महारावल जय सिंह सेकेंड से लेकर उसके बाद पूरा अभी तक सब राजाओं की यहाँ पे छतरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ छतरियों के यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल गुंबद है ऊपर, क्योंकि उस समय जो वर्कमैन या जो आर्ट वर्क वाले थे, जो आर्किटेक्चर वाले थे, वो कुछ मुस्लिम से, तो उनने उस समय गुंबद वाला बनाया। कुछ यहाँ पर जो इंडियंस थे उनने इंडियन आर्किटेक्चर दिया है, जैसे टेम्पल का शेप ऊपर से, तो यहाँ पर मिक्स आर्ट फॉर्म है। तो आपको एक और एक इंट्रीगिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक राजा का स्मारक है, छतरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हॉर्स है इसके दोनों पैर लिफ्टेड है, तो ये दिखाता है कि जो ये राजा है इसकी डेथ हुई थी फाइटिंग करते समय। तो मैं आपको अभी एक और दिखाना चाहूँगा कि एक और टाइप का स्मारक होते हैं जिसमें 2 फुट एक आगे का एक पीछे का रेस्ट करते हैं, दोनों जैसे यहाँ पे इसमें दोनों आगे थे, दोनों आगे की लिफ्टेड थे, वैसा नहीं होगा। इसमें एक नीचे डाउन होगा आगे का, पीछे का भी डाउन होगा। उसमें ये बताता था कि जो राजा है उसकी नॉर्मल डेथ हुई है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं इस वाले में एक पीछे का नीचे है, एक आगे का नीचे है, तो इसका मतलब ये जो राजा है इसकी नॉर्मल डेथ हुई थी। साथ में आप 3 लेडीज़ के भी देख पा रहे होंगे, ये बताता है कि इस राजा के साथ उस समय सती सिस्टम था, और सती सिस्टम में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी उनको भी जो जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ उसको जलना पड़ता था। तो इसमें ये दिखाता है कि यहाँ पे इनके साथ इनकी 3 रानियाँ मरी थी और यह सती हुई थी एक तरीके से। यहाँ पे ये दिखाता है कि इस राजा की भी नॉर्मल डेथ हुई थी और यहाँ पे इसकी 1 रानी इसके साथ सती हुई थी। तो ऐसा डिपिक्शन है, और बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क है अगर आप देखें जो इसमें जो नक्काशी ये सब की गई है, बहुत ही एपिक है। और अगर आप इधर से देखो तो वहाँ से देखोगे ऊपर कुछ इंडियन आर्ट फॉर्म के, नीचे मुगल आर्ट फॉर्म के, और देखो ये सारी छतरियाँ हैं जितनी भी हैं, ये सारी छतरियाँ हैं। इसका छतरी का ये कल्चर है कि क्या होता है कि जो राजा होता है जब वो डेथ होती है तो उसको अब उसका अस्थियाँ यहाँ पे रख दी जाती हैं एक प्लेटफॉर्म बना के, और जो उसका पोता होता है वो उसके लिए छतरी बनाता है। बेटा सिर्फ जो अस्थियाँ होती हैं उसका प्लेटफॉर्म बना के रख देता है, और जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है छतरी का वो उसका पोता करता है जब उसकी शादी होती है। तो ये उनका कल्चर है। The seasons come and go like thoughts of you.
like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक और ये दो ये अनफिनिश छतरियाँ अभी और ये बेसिकली जो अभी करंट जैसे मेरे के राजा हैं उनके फादर की है. अब उनने क्या किया जो एज ए सन वो बस उनने यहाँ पे इनकी अर्थियाँ रख दी हैं एक प्लेटफॉर्म बना के. अब जो उनका जो बेटा होगा मतलब जो जिनकी डेथ हुई इनका जो ग्रैंड सन होगा उनकी जब शादी होगी तब यहाँ पर वो छतरी बनाएंगे. वो वाली छतरी जो उधर है वो कभी बनेगी नहीं क्योंकि वो इनके भाई थे और उनके कभी उनका आगे क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट हो गई थी तो उनके कभी कोई आगे बच्चे हुए ही नहीं तो उनकी वह छतरी वो ऐसे अनफिनिश्ड ही रहेगी हमेशा के लिए. अब हम लोग वापस अब जा रहे हैं और अब हम लोग मार्केट की तरफ जाएंगे. हमने पिछले दिन भी मार्केट की थी पर सब कुछ ले नहीं पाए सबको चाहिए था तो अभी फिर से मार्केट जा रहे हैं वहाँ पर शॉपिंग करेंगे. ये पीछे बड़ा बाग बहुत ही अच्छा मतलब घुसते ही इतने सारे जो मॉन्यूमेंट्स एक साथ आपको दिखते हैं ना बहुत ही मतलब अच्छे लगते देखने में. वैसे आपको यहाँ पे आके इसको असली पर चलेगा इसका मैजिक ज़रूर आना. और यहाँ पे अमन शर्मा आजकल इनसे कुछ भी बात की जाए रिप्लाई पंजाबी में मिलता है एक पंक्ति पंजाबी गानों की. कहाँ एक कौन सुनने वाले अब हाड़ी संधु सुनते हैं. तो यही है समय समय की कहानी अपना देश महान अपना देश महान. और यहाँ पे का मुकाबला फिलहाल तो लड़कियां कर रही हैं मुकाबला कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए. या मिली बॉबी ब्राउन बन जा तू सबके नीचे कॉनवर्स पहन के. ये स्ट्रेंजर थिंग्स फैन ये कमेंट डाउन बिलो. अरे बहुत ही शानदार भैया इसकी प्राइस क्या है. ₹300 ब्लैक में ना दोनों नहीं एक अच्छा एक थोड़ा डार्क ब्लू में. ये बढ़िया लग रहा है वाला कौन ये कलर भी लग रहा है दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं. और यहाँ पे अमन शर्मा रिंग खरीदते हुए अपने लिए रिंग पसंद करते हुए ये चांदी में तो सब चांदी में अच्छा ये वाला ये ना जैसे ब्राउन ऑन एक्सेस और ये है लापिस. इन किसकी का प्राइस है ये 1000 और ये ₹1200 क्या है इन तीनों में तीनों की क्या प्राइस है. ये 2500 अच्छा बस साइज का डिफरेंस है. साइज का कटिंग है ना डिफरेंट डिफरेंट. और यहाँ पे पहनते हुए रिंग अमन शर्मा अपनी दिखाइए भैया. अरे यू कांट सी मी करता हूं ये रिंग आप पहनोगे ना कम से कम 50 आदमी ये कहेंगे कहां से लिए. ये एकदम यूनिक पीस है आप कहीं इसका कॉपी कहीं नहीं मिलेगा. ब्राउन ऑनिक्स ब्राउन ऑनिक्स. और यहाँ पे एक और रिंग पसंद कर ली गई है अमन शर्मा प्लीज शो मी द रिंग्स. ओ माय गॉड थैंक यू अंकल थैंक यू सो मच.